रहेगी। अभी तो ये एकता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एकता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम पुर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एसपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। एसपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सत्ता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये बार काउंसिल का निर्णय है, पहले से ही है कि जब तक वहाँ पर जो दोषी एसपी है, जो दोषी एसपी है, जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं, जो प्रशासन के लोग हैं दोषी, जिन्होंने एक महिला अधिवक्ता को बर्बरतापूर्वक पीटा है, जिसके से पूरे देश में गुस्सा है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने अधिवक्ता हित में फिर अभी स्ट्राइक कंटिन्यू किया है। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी स्ट्राइक आज कर दी है अधिवक्ताओं के उसमें समर्थन में। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी दोषी पुलिस कर्मचारी हैं, जो भी दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई हो, ताकि अधिवक्ता संतुष्ट हो और वो न्यायिक कार्य पे लौटे। क्योंकि ये जो वाक्य का अहित हो रहा है, इसके पीछे कारण जो है वो शासन और सत्ता है। इसमें अधिवक्ताओं का कोई दोष नहीं है, न्यायपालिका का कोई दोष नहीं। अभिषेक शुक्ला, पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन, क्या करें? जब वकीलों को ही परेशानी है तो सबको परेशानी होनी ही पड़ेगी। वकीलों का सम्मान, वकीलों का अधिकार, वकीलों की मर्यादा का कोई मतलब नहीं है क्या? इनकी भी तो मर्यादा है, जो दूसरे के लिए लड़ता है उसी की कोई मर्यादा नहीं रहेगी क्या? हापुड़ में जो कुछ हुआ उसको आप क्या मानते हैं, सही या गलत? बिल्कुल गलत है। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी किसी ने उस पर ना तो कोई संज्ञान लिया, बल्कि ऊपर से दोषी लोगों को और संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। FIR तक नहीं लिखी गई, किसी भी प्रकार का कोई एक्शन दोषियों के खिलाफ नहीं लिया गया। तो वकीलों के पास और क्या विकल्प रह गया है? और बार काउंसिल का तो निर्णय पहले से ही था, बीच में बार एसोसिएशन ने न्यायालय के स्थिति को देखते हुए ठीक है अपना वो लिया, निर्णय लिया, लेकिन वो भी एक झुंझुना ही साबित हुआ है, बल्कि कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। हम अधिवक्ता तब तक न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे जब तक कि हापुड़ के दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर दी जाती उनको, और अधिवक्ता संरक्षण बिल नहीं लागू कर देती है सरकार। अब आर पार की लड़ाई होगी, क्योंकि बिना क्रांति के कभी शांति नहीं आती है। शांति लाने के लिए क्रांति लाना पड़ेगा। मैं मधुप नारायण शुक्ल लोके। अभी तो ये एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम पुर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एसपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। एसपी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सत्ता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।